हाय गाइस, मैं अर्शी और आज आपके साथ अनबॉक्स करने वाली हूँ सिलिकॉन स्पैचुला सेट। अनबॉक्सिंग ऑनेस्ट रिव्यू के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि इन सारे प्रोडक्ट्स को हम कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर फ्रूट एलाइट ब्रांड का सिलेक्शन किया है क्योंकि ये ब्रांड काफ़ी ट्रस्टवर्दी है, काफ़ी सारे फूड प्रोडक्ट्स ये बनाती है, तो आप आग बन करके इस ब्रांड पर भरोसा कर सकते हो। आपको जो यहाँ पर एक एनवलप दिख रहा होगा, इस एनवलप के अंदर आपको रिसिप्ट वगैरह रिसीव होंगे जिसमें डेट ऑफ परचेजिंग एंड कॉस्ट वगैरह लिखे होंगे, तो इसको मैं रखती हूँ एक साइड में। अब यहाँ पर फ्रूट एलाइट ने हमसे कुछ प्रोमिसज किए हैं, जैसे कि लाइफ टाइम वारंटी मिलती है, लिमिटेड लाइफ टाइम वारंटी है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको दिख रहा होगा वो है फूड ग्रेड, मतलब कि ये नॉन टॉक्सिक मटीरियल है, खाना बनाने में आप इसका यूज़ कर सकते हो। स्टेन एंड ऑर्डर रेसिस्टेंट भी दिखा रहा है आपको, स्क्रैच रेसिस्टेंट भी है ये, साथ में नॉन स्टिक फ्रेंडली है, मतलब आप नॉन स्टिक बर्तन वगैरह में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। हीट रेसिस्टेंट है, 230 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये हीट को रेसिस्ट कर पाता है। BPA फ्री है और FDA अप्रूव्ड है। ये FDA जो होता है यानी कि ये फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन से भी अप्रूव्ड है। इसके बाद हम नेक्स्ट तरफ आ जाते हैं, तो यहाँ पर कॉस्ट जो है 2499 का दिया हुआ है, लेकिन मैंने इसे अप्रॉक्स 1400 या 1600 में ख़रीदा है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से देख लेना। ये पूरे 11 पीस का सेट है। अब इस बॉक्स के अंदर आपको इतनी सारी चीज़ मिलने वाली है जिसका नाम है पास्ता सर्वर, सूप लैडल, स्पैचुला, विस्क, टंक्स, स्लॉटेड स्पून, बेस्टिंग ब्रश, सर्विंग स्पून, टर्नर एंड हुक्स, ये सारे आपको मिलेंगे। इनको सारे को मैं आपको दिखा दूंगी कौन सी चीज़ कैसी दिखती है। मैंने यहाँ पर डार्क ब्लू कलर सेलेक्ट किया है क्योंकि आप लाइट कलर अगर लोगे तो खाना बनाते बनाते स्पैचुला का जो कलर है वो गंदा पड़ जाता है, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ डार्क कलर का सिलिकॉन ब्रश लेना या सिलिकॉन स्पैचुला लेना। यहाँ पर आपको हुक्स दिख रहे होंगे जिसके हेल्प से आप इन सारे स्पैचुला को हैंग करके अपने किचन में रख सकते हो। तो ये थी बॉक्स की बात, अब मैं इसे अनबॉक्स करके आपको दिखा देती हूँ कि इसके अंदर हमें क्या कुछ रिसीव हो रहा है, कैसी क्वालिटी मिल रही है। फ्रेंड्स, इस बॉक्स के अंदर में आपको मिल रहा है एक यूजर मैनुअल, इस यूजर मैनुअल को एक बार यूज करने से पहले जरूर पढ़ा कीजिए। कुछ हुक्स भी मिल रहे हैं आपको, अगर आप चाहते हो सारे स्पैचुलास को हैंग करके रखना तो आप बेशक इसकी हेल्प से किचन में हैंग करके रख सकते हो, और अगर हैंग नहीं करना चाहते हो तो इस तरह का स्टैंड मिल रहा है आपको, आप इसमें स्टैक कर सकते हो सारे स्पैचुलास को। होल भी दिए गए हैं ताकि अगर आप धो करके रखो स्पैचुला तो पानी इसके अंदर एक्यूमुलेट ना हो, ड्रेन आउट हो जाए। अब मैं इन सारे स्पैचुलास के बारे में आपको एक एक करके बताऊंगी डिटेल में, कहाँ पे यूज़ करते हैं वो भी मैं बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टंक्स की। टंक्स जो है एकदम से चिमटे जैसा होता है, जो हम रोटियां फुलाने के लिए चिमटे का यूज़ करते हैं, लेकिन आप इसको डायरेक्ट फ्लेम पर रोटी फुलाने के लिए बिल्कुल यूज़ मत करना। यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी है और आप देख सकते हो काफ़ी ग्रिप मिलता है इसको पकड़ने के लिए, बहुत अच्छा लगा मुझे ये क्वालिटी, और इस तरह से हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सूप लैडल की। तो अक्सर जब हम सूप या कुछ ग्रेवी वाली चीज़ निकालना चाहते हैं तो इस तरह का आप सूप लैडल यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको ब्रांड भी प्रिंट दिख रहा होगा, फ्रूट लाइट का ब्रांड है, लकड़ी की इसकी हैंडल लगी हुई है पूरी की पूरी, और एक होल भी दिख रहा है जिसकी हेल्प से आप इसको हैंग भी कर सकते हो। इस तरह के होल आपको सारे ही स्पैचुला पे मिलेंगे, तो आप सबको हैंग करके रख सकते हो। और यूज़ अगर आप देखें तो आप सूप वगैरह सर्व करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में कुछ पॉर करना हो तो भी आप इनका यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टर्नर की। तो ये काफ़ी कॉमन चीज़ है पराठे वगैरह पलटने के लिए, सेकने के लिए, या फिर अगर आप ऑमलेट वगैरह बनाते हो उनको पलटने के लिए, काफ़ी कुछ जो भी चीज़ आपकी फ्लैट अगर कुछ हो उसको पलटने के लिए इस टर्नर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सर्विंग स्पून। तो सर्विंग स्पून से आप ड्राई या हल्की सी गीली चीज़ भी सर्व कर सकते हो। सर्विंग स्पून में जो स्पून होती है उसकी डेप्थ थोड़ी कम होती है, सिमिलर होता है ये सूप लैडल के, लेकिन सूप लैडल थोड़ा ज़्यादा गहरा होता है और सर्विंग स्पून थोड़ी कम गहरी होती है। यहाँ पर आप सब्जी वगैरह सर्व कर सकते हो इससे। अब हम बात कर लेते हैं स्लॉटेड स्पून की। तो कोई भी चीज़ अगर आप डीप फ्राई करते हो या शलो फ्राई करते हो या किसी ग्रेवी में से कुछ निकालना है आपको, सेपरेट करना है, तो वहाँ पर हम स्लॉटेड स्पून का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप यूज़ देख भी सकते हो, मैं मटन स्टॉक में से मटन को सेपरेट कर रही हूँ। तो
अब हम बात कर लेते हैं स्पैचुला की। बहुत ही बेसिक चीज़ है, कॉमन सी चीज़ है, आजकल आपको हर के घर में मिल जाएगा ये सिलिकॉन स्पैचुला। और सच पूछो तो बहुत यूज़फुल है। अगर आप नॉन स्टिक बर्तन यूज़ करते हो तो आपके पास इस तरह का स्पैचुला होना कंपलसरी है। इससे नॉन स्टिक बर्तन ख़राब नहीं होते हैं, आप आराम से कुकिंग कर पाते हो। अब जैसे कि मैं यहाँ पर रबड़ी बना रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि नीचे दूध जले नहीं, उसके लिए मुझे इस तरह का स्पैचुला यूज़ करना था ताकि बर्तन भी ना ख़राब हो और दूध भी ना नीचे से जले। सब्ज़ी वगैरह भी आप नॉनस्टिक पैन में इस स्पैचुला को यूज़ करते हुए बना सकते हो। तो फाइनली अब बारी आती है पास्ता सर्वर की। देखने से काफ़ी यूनिक सा लैडल लगता है और इंटरेस्टिंग सा लगता है, बट इसका ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं है। पास्ता वगैरह या नूडल्स वगैरह सर्व करने के काम में आते हैं। कभी आपको स्टाइलिश तरीके से कहीं पर सर्व करना हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर सूप अलग सर्व किया है और मैगी अलग सर्व किया है इस पास्ता सर्वर की हेल्प से। ये है ब्रश। इस ब्रश का बेसिकली मुझे तो बहुत ज़्यादा यूज़ लगता है, क्योंकि आप पराठे वगैरह सेकते हो, उस पर घी अप्लाई करना हो, या फिर आप केक टिन को ग्रीस करना हो, बहुत सी जगह पे आपको इस ब्रश का यूज़ हो जाएगा। एकाक यूज़ में आपको दिखा भी देती हूँ। विस्कर मैंने एक्सपेक्ट किया था, देखने से बहुत ज़्यादा खूबसूरत था ये, तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी होगा, बट क्वालिटी वाइज मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। काफ़ी वो लचर पचर जिसको कहते हैं ना, वो लचर पचर सा है ये। मतलब अगर आप गाढ़ा बैटर वगैरह केक का बनाओगे ना तो टूट जाएगा ये, मुझे ऐसा फील हुआ एक दो बार केक बनाने के बाद से। तो मेरे पास पहले से जो स्टील का विस्कर था मैं उसी का यूज़ करती हूँ, ये सिर्फ शो ऑफ के लिए मेरे पास है, तो दैट्स इट। बाकी ओवरऑल मुझे स्पैचुला का सेट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अगर 5-6-11 में से एक आग ख़राब भी है तो चलेगा, इट्स ओके। और फ्रेंड्स, मैं काफ़ी सारे वीडियोज इस तरह के अनबॉक्सिंग के, अच्छे अच्छे रेसिपीज़ के, स्पेशल रेसिपीज़ के लाती रहती हूँ, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बगल में आपको बेल आइकन दिख रहा होगा उसको प्रेस कीजिए, फर्स्ट स्लाइस के ऊपर ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, बाय बाय।